मॉर्निंग फ्रेंड्स, सस्काल अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, वेलकम टू माय ब्लॉग। और शुरुआत है मॉर्निंग जॉगिंग से बीच और सुबह बीच। सो सुबह के बज गए हैं तकरीबन 9:15 और एज नॉर्मल यूजर चल रहा है। हालांकि मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। कल गया था मैं, कल 8 जून था, तो अनलॉक हो चुका है। जनरली सारे अनलॉक को जो है, लॉकडाउन को मोस्टली ख़त्म कर दिया गया है एवरी स्टेट में। तो मैं मुआयना करने गया था कि लेट्स सी कि मॉल वगैरह का क्या ऑपरेशन है बॉम्बे में, स्पेशली इन अंधेरी। मेरा ये कहना है, मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी मॉल में जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो बड़ा सिंपल है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। वो कैसे है तो एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं। अगर कोई भी बंदा नहाने जाता है सुबह सुबह, तो या कभी भी जाता है दिन में रात में, तो क्या ध्यान देता है? 2-3 चीज़ों पे माइंड सेट है। पहला, टॉवल चाहिए। दूसरा, चड्डी चाहिए। तीसरा, नहाने के लिए सामग्री चाहिए, जैसे शैम्पू है, साबुन है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी तो चाहिए। ठीक है, और भी चीज़ें होंगी। तो सेम चीज़ अगर आप कल को किसी भी पब्लिक गैदरिंग प्लेस पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल में जाते हैं, तो आपको ख़ुद देखना होगा कि मॉल में एंट्रेंस के टाइम पे फीवर चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैनिटाइज़र मशीन लगा है कि नहीं लगा है, लिफ्ट में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने तो ये भी बोला है कि इसके लिए अलग से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जो कि मॉल में, सिनेमा हॉल में या किसी भी पब्लिक गैदरिंग में सिर्फ उसका सोशल डिस्टेंस मैनेजमेंट का काम होगा। तो बाथरूम जा रहे हैं तो नीट एंड टाइडी है कि नहीं है, ओवर क्राउडेड तो नहीं है। सो ये है, खाना अगर आप खा रहे हैं तो रिक्वेस्ट कीजिए कि यूज़ एंड थ्रो वाले प्लेट्स यूज़ हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, आपसे कोई पूछेगा नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और स्पष्ट करने के लिए मैं बोलूँगा कि जब आप कभी किसी कहीं भी पार्किंग में, मॉल में या कहीं भी पार्क करते हैं, तो वहाँ एक नोट लिखा रहता है कि इट्स ऑनर्स रिस्क। तो मैनेजमेंट मॉल हो या कोई भी, वो आपका रिस्क है, उनका रिस्क नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है और आप बिंदास घूम रहे हैं, तो आपके ज़िंदगी के साथ में रिस्क है, मॉल वाले मैनेजमेंट के साथ में नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा स्पीच नहीं देंगे, ब्लॉग बड़ा हो जाता है फिर, और सीन लेने के लिए जो इधर अंदर बैठे थे, सो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। सो ऑफिस जाने की तैयारी है, 3:30 बज गए हैं दोपहर के, और लेट जा रहे हैं। वजह क्या है कि अभी काम जुलाई 1 वीक से पहले कुछ होना नहीं। आप ऑफिस जाए, स्टाफ बुलाएं ना बुलाएं, कुछ भी कर लें। तो मेरे साथ में है साहिल भाई, अजय साहिल भाई, मुरारी सर, वसीम भाई। तो बैठ जाइए अपने जगह से। वसीम भाई आगे बैठ जाइए, आप वसीम भाई को आगे बैठा, वसीम भाई को आइए, वसीम भाई आगे, या साहिल भाई आगे बैठ जाइए आप। तो यहाँ बैठने का, वसीम भाई क्या वजनदार आदमी है, तो थोड़ा आगे बैठेंगे, कल सट रहा था गाड़ी। चला जाए, लोड है गाड़ी। लीची भी आ गया मार्केट में। हमारे 90% जो प्रोडक्शन लीची का बिहार में होता है एग्रीकल्चर, वो सामने ठेला पे है। बहुत महंगा है लीची यहाँ पे। अगर लीची की बात करें बॉम्बे में, तो 80 रुपया दर्जन, 80 रुपया दर्जन कितना हो गया एक पीस का, लगभग 7 रुपया हो गया ना। 40 रुपये सैकड़ा है, 50 रुपये और, हाँ 40 रुपये सैकड़ा है, कभी कभी 125 मिल जाता है अपना अपने क्षेत्र में। और यहाँ जब थे तो 30-25-40 तक लास्ट थे, वही रेट आज भी है, वही रेट है। और लोखंडवाला मार्केट फुल्ली, सारे शॉप 40-50 का ले लो, समझ लो खुले हुए हैं, 100 पीस ऑलमोस्ट पेट भर के खा लो, कोई खाने की जरूरत नहीं लीची में ना। अब यहाँ 12 पीस में तो ना मुंह को होगा ना पेट को, साला उसमें अगर बीज निकल गया बड़ा वाला, यहाँ से बड़े वाला बीज, हाँ बड़े वाले बीज निकलेगा, बीज निकल गया बड़ा वाला तो कहानी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। हाँ वो तो उधर ही खत्म हो जाता, लिमिटेड है वो। सो आबादी बढ़ गई है,
हमारे बिल्डिंग के नीचे 22 लाइन्स है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, हमारे बिल्डिंग में लोग आने शुरू हुए हैं, एकदम अच्छा प्रोटेक्शन गार्ड मिला है इन लोगों को, शील्ड मिल गया है पहनने के लिए। सो चलिए ऑफिस में चल के थोड़ा सा काम क्या करेंगे यार, काम नहीं होना है कुछ, कुछ पेपर वगैरह चिपका है बिल्डिंग में, देखते हैं क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। नो एंट्री विदाउट प्रॉपर मास्क, नो एंट्री, एवरीबडी एंटरिंग इन द बिल्डिंग मस्ट वेयर अ प्रॉपर मास्क, नो एंट्री विदाउट मास्क, ऑल आर रिक्वेस्टेड कोऑपरेट विद द सोसाइटी पर्सनल, नोवेल कोरोना वायरस COVID-19, प्रोटेक्शन योरसेल्फ एंड अदर्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। अच्छा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, सब तैयारी कर रहे हैं, ये रहा, ये भी बहुत अच्छा है, लगाइए सही है। चलिए वसीम भाई आपका नंबर है, लगाइए, सही आ रहा है, बड़ा मशीन आवाज आना चाहिए, टूट गया था नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, आता है, रीड कर लेता है, रीड कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है, कर रहा है, कुछ तो हुआ, मशीन लाइए, वारंटी में किस में अभी वह मशीन, अभी तो कल ही मशीन आई है, हाँ वारंटी में, हाँ बिल्डिंग में तो हो गया, हम लोग कभी बिल्डिंग नहीं ले रहा ना, सैनिटाइजर वाला वो नहीं लाया, हाथ वाला नहीं लाया है, नहीं नहीं ये नहीं, वो पैर वाला जो आता है, पैर वाला, पैर इसमें टच हो जाता है, स्टैंड 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 लाइए, पतले रख रहे हैं वसीम भाई आप इसमें ना, पतले हुए हैं, हाँ पतले हुए हैं, ये सर पूरा टाइट हो रहा है ना, ये सर कम लग रहा है, हाँ पतले हुए हैं, दो दिन एक्सरसाइज किए हैं बीच पे, और रौनक आया, तो मैं दिखाया आपको अपनी बिल्डिंग में कैसे यू नो प्रोडक्शन है थोड़ा सा, और इसमें हमारे बिल्डिंग में यू नो मुझे लगता है फीडबैक देना चाहिए, मैं फीडबैक दूंगा यहाँ के सेक्रेटरी को, क्योंकि जो सेक्रेटरी है हमारे हमारे ऑफिस के ऑनर जो है। हमारे ऑफिस में एक ऑफिस बंद, दो ऑफिस बंद, तीसरा भी बंद है, चौथा खुल रहा है, और नहीं नहीं तीसरा खुला है, चौथा, तीसरा खुला है, चौथा खुल गया, पांचवा बंद है, छठा खुला है, नहीं नहीं ये भी खुला है लगता, और वो भी बंद है, मतलब 7-8 ऑफिस में 3 ऑफिस खुली हैं और 3-4 ऑफिस बंद है, आज सेकेंड डे ऑफ अनलॉक, सो लेट्स सी, चलते हैं ऑफिस, थोड़ा देखते हैं क्या करना है। I believe in being strong when everything seems to be going wrong. So अभी ऑफिस में है वसीम भाई, राइट सर जैसा देखा होगा आपने, पर आज इसका काम जो हम लोग तमाम करते हैं, लगाते हैं इसको जहाँ जहाँ लगाने का है वहाँ लगाते हैं इसको, फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपने ऑफिस का, यू नो प्रिकॉशन जो लेना है, अ काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड आप देख रहे होंगे, पूरा मैसेज है, बट इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर है और इंफॉर्मेटिव है और यू नो बेस्ट है, पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं है, यहाँ पे हम लोग वर्क सेंटर जैसे मैं बताया था पिछले वाले ब्लॉग में, यहाँ एक सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे रिक्वेस्ट करके, यहाँ सैनिटाइजर मशीन लगाएंगे, यहाँ मशीन के लिए है, वो इंफॉर्मेशन है कि वायरस फैला हुआ है, हाथ साफ करना जब आप लिफ्ट से आते हैं, विजिटर्स नहीं अलाउड है, कोई भी अलाउड नहीं है अंदर, यहीं से डील कीजिए, मास्क इसके अंदर जाएंगे तो कंपलसरी है, अगर आप बीमार हैं तो घर पे रहें, बाहर ना निकलें, इसके अगर आप आते हैं रिसेप्शन एरिया में, तो रिसेप्शन एरिया में हमने 3-4 चीज़ किया, पर इसको लगा दूँ तो आपको समझ में आएगा, रिसेप्शन में हमने किया है प्लीज़ प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंस जो है यहाँ पे, यही हाथ मुँह टच करना अवॉइड करें, अगर खांसी आता है कुछ आता है तो उसको ऐसे नहीं आप छुए, ऐसे करके
करें, और इसके अंदर अलाउड नहीं है किसी को भी जाना। वेट हियर अंटिल आस्क्ड टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, इसके बाद अगर अंदर जाते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है, सैनिटाइजर प्लीज वर्किंग, साफ करके रखिए अपना। वहाँ अगर देखेंगे तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में अवॉइड टचिंग आइज नोज एंड माउथ हो गया। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन यहाँ भी दे दिया, प्लीज़ वेट वॉश अगर काम पे आते हैं तो कंप्यूटर पे, और प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम गेटिंग सिक, अगर कोई बीमार होने से किसी को बचाए। हाँ, स्टाफ के लिए हो गया ये, जो है अपना अंदर एक केबिन के अंदर दे दिया है। उसके बाद इसी के साथ में अच्छी खबर ये है कि वसीम भाई ने जो है ग्रीन टी बना दिया है काफ़ी दिनों के बाद। एक बज गया बाथरूम में लगाने के लिए, लगा देते हैं, और बिस्किट है तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए, और आप लोग भी फॉलो कीजिए, यही रहेगा। आप अपने एरिया में, घर पे, जहाँ भी प्रिकॉशन लीजिए, यही चारा है, दूसरा कोई कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ भी लगा दिया, फर्स्ट क्लास, सेफ्टी जरूरी है। हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। मुराई सर मेहनत कर रहे हैं दबा के। सो हम लोगों ने अपने ऑफिस के बिल्डिंग में भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ली है और लगा दिया है प्रिकॉशन के तौर पे। हर आदमी का अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑफिस का तो देख ही लिया होगा आपने। सो चलिए चलते हैं, आज के ब्लॉग को अब यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि अब घर निकलना है। और गाड़ियाँ फिर से रिपीट कर दूँ, गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मॉल अभी चालू नहीं हुआ है, कुछ भी चालू नहीं हुआ है। सो क्या चालू होने वाला था, लेकिन अभी तक बॉम्बे मॉल चालू नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया है। सारा तार लगा हुआ है, कंटेनमेंट जोन है उधर, पोस्टर उतर गया, बागी अभी तक लगा हुआ है। सो चलिए चलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, बाय।